ये 30,000 परिवारों के लिए जो घर बन रहे ना, आज शिलान्यास हुआ है, चाबी देने के लिए हम ही आएंगे। हर एक भारतीय को रहने के लिए घर देना ये सिर्फ प्राथमिकता नहीं बल्कि कर्तव्य है। इस विचार से सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत असंगठित मजदूरों के लिए रेनगर आवास योजना का निर्माण किया गया है। ये प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस योजना के तहत बीड़ी मजदूर, सफाई कर्मचारी, कपड़ा मिल मजदूरों को घरों का लाभ मिलने वाला है। सोलापुर से 11 किलोमीटर दूर कुंभारी गाँव में 365 एकड़ जमीन पर 30,000 घरों का निर्माण किया जा रहा है, जहां कुल 150,000 लोग सोलापुर सिटी से कुंभारी गांव में बसने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर घर की मालिकी महिला के नाम है। इसमें असंगठित मजदूरों को 300 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा। इस आत्मनिर्भर टाउनशिप में घर के साथ पानी, बिजली, पाठशाला, कुशलता विकास केंद्र जैसी सुविधा के साथ ये शहर सोलर शहर एवं डिजिटल शहर है। इस योजना के तहत घर की कुल कीमत 5,00,000 रुपए है, जिसमें 1,50,000 रुपए भारत सरकार और 1,00,000 रुपए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। अभिमान की बात यह है कि जनवरी 2019 में जब देवेंद्र फडणवीस जिनकी प्रेरणा से ये प्रोजेक्ट मूर्त रूप पा सका है, उन्हीं की सरकार राज्य में थी, तब इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से ही हुआ था और इस योजना के पहले चरण का यानी 15,024 घरों का समर्पण भी उनके ही हाथों हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना के तहत पूरे महाराष्ट्र में 1600 से ज्यादा परियोजनाओं में 90,000 घरों को प्रदान किया जा रहा है। अब तक योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 6,00,000 से ज्यादा सब्सिडी वाले घरों को मंजूरी दी गई है। इनमें से कुल 2,00,000 से ज्यादा मकानों का कार्य प्रगति पर है तथा 1,50,000 से ज्यादा मकान पूर्ण हो चुके हैं। इन घरों में से बुनियादी ढांचे से परिपूर्ण 90,000 घर लाभार्थियों को सौंप दिए जाएंगे। आज का ये समर्पण समारोह देश के विकास में एक ऐतिहासिक कदम है।